स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आरंभ में। लेके आ गया हूं मैं आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, और स्नैपड्रैगन 760E चिपसेट जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, और दोनों ही 5G चिपसेट है। तो इन दोनों चिपसेट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले हैं कौन सा जो चिपसेट है वो सबसे बेटर है। तो चलिए बिना देर करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बात करते हैं सीपीयू के कंपैरिजन के बारे में। तो दोनों ही जो प्रोसेसर है मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट और स्नैपड्रैगन 768G जो है ये दोनों ही 7nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। और बात करते हैं सीपीयू की, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको चार बड़े कोर्टेक्स A76 के मिलते हैं जो कि 2.0 GHz पर बेस्ड है, और इसको 37% इंप्रूव किया गया है देन मीडियाटेक 800 चिपसेट से। और इसमें आपको चार छोटे कोर्टेक्स मिलते हैं A55 के जो कि 2.0 GHz पर बेस्ड है। अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के बारे में, तो इसमें आपको एक कोर्टेक्स A76 दिया गया है जो कि 2.8 GHz पर बेस्ड है, और एक कोर्टेक्स 76 दिया गया है जो कि 2.4 GHz पर बेस्ड है, और इसमें आपको छह कोर्टेक्स A55 का दिया गया है जो कि 1.8 GHz पर बेस्ड है। तो दोनों की जो क्लॉक स्पीड है वो एक तरह से बराबर ही है, बट मैटर करता है जो दोनों का जो ट्रांजिस्टर का जो डिजाइन है किस साइज में ये जो प्रोसेसर है वो बना गया है वो मैटर करता है। तो दोनों की जो क्लॉक स्पीड है वो सेम है, बट स्नैपड्रैगन का जो 768G जो है इसका जो कोर है A76 और A76 ये दोनों को अलग अलग करके रखा गया है, तो जिस कारण जो इसकी स्पीड है और इंप्रूवमेंट है वो आपको परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा। तो सीपीयू के मामले में स्नैपड्रैगन 768G जो है वो, तो गाइस दोनों जो चिपसेट है वो 5G चिपसेट है। और बात करते हैं जीपीयू के कंपैरिजन के बारे में, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट का मैं आपको माली का G52 MC5 वाला जीपीयू है वो दिया गया है जिसको 20% इंप्रूव किया गया है मीडियाटेक 800 से। और अब बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के जीपीयू के बारे में, तो उसमें आपको एडिनो का 620 वाला जीपीयू है वो दिया गया है, और इसको 20% इंप्रूव किया गया है स्नैपड्रैगन 765G से। और बात करते हैं एंटूटू स्कोर के बारे में, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट का जो एंटूटू स्कोर आया है वो 415,000 आया है। और बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के एंटूटू स्कोर के बारे में, तो इसका जो एंटूटू स्कोर आया है वो 360,000 आया है। तो ये जो दोनों का जो एंटूटू स्कोर आया है इसमें से मीडियाटेक का जो एंटूटू स्कोर आया है वो सबसे ज्यादा है, और ये पहली बार हो रहा है कि मीडियाटेक का जो कोई चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन के चिपसेट का जो एंटूटू स्कोर है उससे ज्यादा है। नहीं तो अब तक जो भी चिपसेट आया है स्नैपड्रैगन का और मीडियाटेक का, तो उसमें एंटूटू स्कोर जो है वो स्नैपड्रैगन का जो चिपसेट है उसका ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक का में। तो ये पहली बार हुआ है कि मीडियाटेक का जो डायमेंशन चिपसेट है उसका जो एंटूटू स्कोर है वो स्नैपड्रैगन का जो एंटूटू स्कोर उससे ज्यादा है। तो इससे पता चला है कि मीडियाटेक का जो ये A20 वाला चिपसेट है वो काफी पावरफुल है, और कंपनी ने इसे कुछ स्पेशल बनाया है और कंपनी इसे काफी पावरफुल तरीके से बनाया है। बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन के बारे में, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको 32+16 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सपोर्ट दिया गया है और 80 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट दिया गया है। वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के बारे में, तो उसमें आपको 22 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सपोर्ट दिया गया है और 36 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सपोर्ट दिया गया है। दोनों में ही आपको 4K रिकॉर्डिंग दिया गया है, HDR10 और 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है, साथ में आपको दोनों में ही आपको AI कैमरा का मोड भी दिया गया है। और बात करते हैं स्लोमो की, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको स्लोमो का कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है। वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के बारे में, तो उसमें आपको स्लोमो का सपोर्ट दिया गया है। तो ये जो चीज है वो स्नैपड्रैगन 768G में आपको बेटर दिया गया है। तो एज कम्पेयर टू कैमरा के बारे में बात करें, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको 80 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा मिलता है जो कि आपको स्नैपड्रैगन 768G में नहीं मिलता है। तो सिंगल कैमरा के मामले में मीडियाटेक जीतता है। और ड्यूल कैमरा के मामले में बात करें, तो 32+60 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सपोर्ट दिया गया है, तो ड्यूल कैमरा के मामले में भी मीडियाटेक ही जीतता है। मतलब कैमरा के मामले में मीडियाटेक जीतता है। तो गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, वहीं आपको स्नैपड्रैगन 768G में आपको QHD 60Hz रिफ्रेश रेट और फुल HD 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। और बात करते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट में आपको मीरा विजन टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके कारण जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी, और पिक्चर की जो क्वालिटी है ब्राइटनेस है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी, और जब आप वीडियो देखेंगे जो कलर जो है वो आपको ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 768G में। और स्नैपड्रैगन 768G में कोई जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है। तो मीडियाटेक A20 वाला चिपसेट है उसमें आपको जो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा। इस बात करते कनेक्टिविटी के बारे में, तो दोनों ही चिपसेट में आपको ड्यूल 5G का सपोर्ट दिया गया है, और दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है। और बात करते हैं वाईफाई वर्जन के बारे में, तो मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट उसमें आपको वाईफाई का वर्जन 5 दिया गया है, कहीं ना कहीं कंपनी को वाईफाई वर्जन 6 देना चाहिए। और वहीं बात करते हैं स्नैपड्रैगन 768G के बारे में, तो उसमें आपको वाईफाई वर्जन 6 दिया गया जो कि एक लेटेस्ट वर्जन है। और बात करते हैं डाउनलोडिंग की स्पीड के बारे में और अपलोडिंग की स्पीड के बारे में, तो मीडियाटेक A20 जो 5G चिपसेट है उसमें आपको डाउनलोडिंग 3.5 GB पर सेकंड मिलता है और अपलोडिंग स्पीड 1.25 GB पर सेकंड मिलता है। और वहीं आपको स्नैपड्रैगन 768G में डाउनलोडिंग स्पीड 3.7 GB मिलता है पर सेकंड, और अपलोडिंग स्पीड मिलता है आपको 1.6 GB पर सेकंड। तो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग जो स्पीड है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 768G में। और अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की स्पीड के मामले में स्नैपड्रैगन 768G जो है वो जीतता है एज कम्पेयर टू मीडियाटेक A20 डायमेंशन चिपसेट के मामले में। तो गाइस गेमिंग की बात करते हैं दोनों, अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे।
की बात करते हैं, दोनों ही चिपसेट में काफी पावरफुल जीपीयू दिया गया है, तो जिस कारण जो गेमिंग की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी। और दोनों ही चिपसेट में आपको स्मूथ अल्ट्रा स्मूथ का परफॉर्मेंस दिया गया, मतलब अल्ट्रा स्मूथ फंक्शन दिया गया है, जिस कारण जो आपकी गेमिंग की जो एक्सपीरियंस है वो काफी बेटर देखने को मिलेगी, और जो आपकी गेमिंग की जो ग्राफिक्स है और खेलने की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी दोनों ही चिपसेट में। और मीडियाटेक 820 डायमेंशन चिपसेट में अगर आप 45 मिनट तक गेमिंग करेंगे तो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक ये जो प्रोसेसर वो हीट होगा, और स्नैपड्रैगन 768G में आप गेमिंग करेंगे तो इसमें जो प्रोसेसर है वो 45 मिनट तक आप अगर गेमिंग करेंगे तो 33 डिग्री से 34 डिग्री तक ये जो चिपसेट है वो हीट करेगा। तो हीटिंग के मामले में जो स्नैपड्रैगन 768G है वो थोड़ा कम है, लेकिन मीडियाटेक का जो 825G चिपसेट है वो थोड़ा ज्यादा हीट करेगा। तो गेमिंग के मामले में स्नैपड्रैगन 768G जो है वो आपको बेटर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू मीडियाटेक 825G चिपसेट में। चार्जिंग की बात करें तो मीडियाटेक में आपको कोई चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया, वहीं आपको स्नैपड्रैगन 768G में आपको कंपनी का जो क्वालकॉम फास्ट चार्ज 4 प्लस है उसका सपोर्ट दिया गया है। तो इसमें है, और ये जो चिपसेट है मीडियाटेक का 820 जो चिपसेट है ये अपकमिंग जो रेडमी का 10X स्मार्टफोन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और बाकी कंपैरिजन की बात करें तो लास्ट कंपैरिजन यही निकल के आता है कि मीडियाटेक का जो 820 चिपसेट है वो काफी पावरफुल चिपसेट है, बट वो अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है कंपनी ने। और स्नैपड्रैगन का 768G वाला चिपसेट है वो भी कंपनी अफोर्डेबल 5G चिपसेट के लिए बनाया गया है, लेकिन उसमें आपको गेमिंग और बाकी जो भी टास्क है जो भी आप उसमें यूज करते हैं वो आपको बेटर देखने को मिलेगा, और कैमरा की जो क्वालिटी है वो आपको बेटर देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू मीडियाटेक का चिपसेट। और बाकी जो रेडमी का 10X जो स्मार्टफोन है उसमें मीडियाटेक का जो 820 चिपसेट है वो आ रहा है, तो देखते हैं कि उसमें कंपनी का जो मीडियाटेक का 820 चिपसेट है वो कितना बेटर परफॉर्म कर पाता है रेडमी के फोन में। बाकी जब तक ये जो दोनों चिपसेट है, ये दोनों ही चिपसेट कोई कोई मोबाइल में नहीं आते, मतलब ये जो चिपसेट है मोबाइल में नहीं आ जाते तब तक आपको कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में रहेगा तभी आप कंपैरिजन कर सकेंगे कि कौन सा जो चिपसेट है वो बेटर है, क्योंकि स्पेक्स के मामले में आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बट लास्ट ओपिनियन में यही कहूंगा कि मुझे स्नैपड्रैगन 768G वाला चिपसेट है वो काफी पसंद आया है, और स्पेक्स के तौर पर मुझे जो स्नैपड्रैगन 768G है वो काफी पसंद आया एज कम्पेयर टू मीडियाटेक 820 डायमेंशन चिपसेट के मामले में। बाकी आप क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब तक हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।